जी माशाल्लाह। अलग अलग आपने जो है ना ऐसे ही रखना है, जितना आपने खाना है उतना खोया डाल के, तो आपने मिक्स करना है उसी टाइम जब आपने खाना है। अगर आप करके रखेंगे ना, तो ये जो आपका हलवा ना जो मैंने खोया वो घी बन जाएगा। देखो जी तो लुक भी नजर आएगी। टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं इसका जायका और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर कैसा है। और माशाल्लाह फाइनल लुक ये है जी आपके सामने। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। एक साइड हाँ जी, अच्छा जी ये भी लगा देते हैं सारा। माशाल्लाह जी, मेरा जेन सी के ए वाला पीछो कैथे रखे होते हैं जेड़े छोटे छोटे पीस होते हैं एक साइड, तो बंदा रास्ता भी तो होना चाहिए आगे पीछे जान जान। आप कर ले आगे साइड। नहीं नहीं करो तुसी, माशाल्लाह बहुत। गाजरें कितनी मजेदार होती हैं, उसका जूस का कलर भी कितना प्यारा फ्रेश होता है और हर चीज का प्रॉपर कलर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी हमने कर लिया है इसको डिश आउट इस तरह से मजेदार सा। अच्छा जी जो वाइट डिश है ना, तो उसके ऊपर ना रेड जो है ना गाजर का हलवा कैसा लग रहा है। एक प्याली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देसी घी थी जो कि मैंने इसके ऊपर शामिल कर देना है माशाल्लाह। और इसी तरह मैंने इसे अच्छे से करनी है बुनाई। और साढ़े गाँव के बच्चे देसी घी। अच्छा एक मजे की चीज़ ये है, अगर मैं ये जो मैं गाजर का हलवा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये इस तरीके से ना मतलब कि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। अक्सर कलर ब्लैक पड़ जाता है, तो जो हमारी गाजरों का कलर है ना, जो गाजर के हलवे का कलर है, हलवे का कमाल कि आपका जो गाजर का हलवा है वो किस तरह बनता है। आप ये ना सोचिएगा कि जो गाजर हमने मतलब कि ये बॉयल की है इसका सारा असर निकल गया जी, इसका ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल ना सोचिएगा। इसका जो टेस्ट है, इसका जायका, इसका फ्लेवर है वो उसके अंदर ही है। बस हमने इसको हल्का सा बॉयल किया है, बॉयल मतलब इतना ज़्यादा नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम आज फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। जो लोग बच्ची और बच्चों के रिश्ते से परेशान है अल्लाह पाक साहब बच्चे के नसीब अच्छे करे और साहब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे, आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी यार फैमिली के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक साहब को खुश और बादशाह मुस्कुराता रखे, अपनी जुबान में रखे। बहुत प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। आल फैमिली के लिए लव यू, थैंक यू सो मच। आप मेरी रेसिपी लाइक करते हैं, मेरे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे जी मुझे जो मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। आज मैं आपके साथ मजे मजे का क्या बनाने वाले हैं, सर्दियों के मौसम में आप बनाए मजेदार सा गाजर का हलवा, तो उसकी हम रेसिपी शेयर करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में मजेदार सा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे जी मैंने गाजर को कर लिया ग्रेट और यहाँ पे मेरे पास गाजर है 2 किलो, ठीक है, और 2 किलो है ना ली मैं नहीं है, मैंने ली है। अच्छा जी यहाँ मुझे कितनी मर्जी ले लें, आपकी मर्जी है, आपने अपनी गाजर के हिसाब से बनाना, ठीक है ना जी। यहाँ पे ना वो जो बाहर आता है ना, वो जो रेड़ी वाला आता है, वो तड़ी ली, तड़ी तड़ी का मतलब 5 किलो, 5 किलो उसको तड़ी लेते हैं ना 5 किलो गाजर। अच्छा जी ये 5 किलो गाजर है, पानी मैंने कर लिया है बॉयल। और यहाँ पे मेरे पास है जी छोटी इलायची, आपने इसी तरीके से बनाना है और इतना मजेदार आसान बनेगा, मजेदार सा बनेगा जी। इसको मैंने ये देखे इसके अंदर मैंने डाल दी है छोटी इलायची, आप इसको बंद भी डाल सकते हैं क्योंकि अक्सर मुँह में बीज भी आ जाता है, कोई नहीं लाइक करता बीज वगैरह मुँह में आ जाए। तो हमने इसको डाल दिया इलायची, तो बस इसको ना पानी भी मेरा मैंने रखा हुआ था तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं, पानी मेरा गर्म है। और यहाँ पे जी मैंने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डाल देनी है मैंने गाजर, इसी तरह से आपने बनानी है। तो आसमान ने ना पानी में डाल दी ये गाजर, जो कि उबले हुए पानी में आसमान ने डाल दी गाजर ग्रेट करके। और अच्छा एक मजे की चीज़ ये है, अगर मैं ये जो मैं गाजर का हलवा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये इस तरीके से ना मतलब कि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। अक्सर कलर ब्लैक पड़ जाता है, तो जो हमारी गाजरों का कलर है ना, जो गाजर के हलवे का कलर है, बिल्कुल ओरिजिनल होगा और परफेक्ट होगा, इसके अंदर कोई भी कलर वगैरह नहीं जाएगा, ठीक है। अक्सर मतलब कि ना कलर वगैरह डाल देते हैं कि जो इसका कलर बड़ा प्यारा सा लगेगा, नहीं, जो चीज़ होती है ना ओरिजिनल
ओरिजिनल ही होती है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और आसपास गाजर का हलवा प्रोफेशनल होएगा और देसी तरीके नाल होएगा और तुसी इजी घर दे विच जड़ी बड़ी बड़ी जबरदस्त स्वीट्स वाला तुसी जायका कहंदे हो ना तो वही इंशाल्लाह उस तो भी वध के जायका होएगा रेस्टोरेंट स्टाइल च। इसको ना सिर्फ हमने ना हल्का सा पानी मेरा फुल गर्म था ठीक है ना, इसको हमने इतना ज्यादा एक जब इसका बॉयल आना ना तो फिर इसको हमने छान लेना है ठीक है फ्रेंड्स। इसको ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा बॉयल नहीं देने, सिर्फ फुल गर्म पानी के अंदर डालना है और एक बॉयल में आपने इसको छान लेना है। तो मैं आपके साथ अभी इसका बॉयल आता है फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखे जी एक ही अभी एक ही आया अभी स्टार्ट ही हुआ है तो मैंने आपको दिखा दिया ये बस जी इतना ही हमने करना है। ये देखिए इसको हमने निकाल लेना इस तरह से, इसको हमने छान लेना है इस तरह से। इसमें एक बॉयल आया तो मैंने जल्दी से ना इसको देर नहीं की क्योंकि पानी हमारा वैसे प्रॉपर गर्म था तो इस तरह मैंने इसको छान लिया। इस तरह आपने सारा इसको छान लेना है तो फिर देखिएगा आप अपने हलवे का कमाल कि आपका जो गाजर का हलवा है वो किस तरह बनता है। आप ये ना सोचिएगा कि जो गाजर हमने मतलब कि ये बॉयल किया इसका सारा असर निकल गया जी, इसका ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल ना सोचिएगा। इसका जो टेस्ट है इसका जायका इसका फ्लेवर है वो उसके अंदर ही है। बस हमने इसको हल्का सा बॉयल किया है, बॉयल मतलब इतना ज़्यादा नहीं किया, पानी गर्म किया उसको ना हमने एक बॉयल पे निकाल लिया। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है यार वाह, इसकी खुशबू आनी आनी है क्योंकि ये ओरिजिनल है बिल्कुल प्रॉपर। तो बस इसको हमने छान लेते हैं, चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या करना है। तो जी फैन सबसे पहले जी हमने ऊपर रख दिए कढ़ाई। अच्छा जी ज़रूरी नहीं है कि आपको भाई कोई बड़ा सा बर्तन लें, आपको जो बर्तन आपके घर में मौजूद है ना आप उसमें कोई भी रेसिपी बनानी हो तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे जी मेरे पास ये आ गई है जी, इसको मैंने जो बॉयल किया था यहाँ पे इसको रखना है एक साइड पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले हमें क्या करना है जी डाल लेना है कढ़ाई में। अभी इसको हम अच्छे से ना हम करेंगे बुनाई करेंगे और यहाँ पे जी देखिए देखिए इसके अंदर पानी 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 होगा तो वो हम इसको निकाल लेते हैं छाने से इसकी भून बढ़िया करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास यह चीज़ें मौजूद है यह है इलायची का छिलका, या ये मैंने निकाल लिया क्योंकि इसका असर तो निकल गया। अच्छा जी यहाँ पे मेरे पास है देसी घी, यहाँ पे मेरे पास खोया और बादाम और काजू ये पिस्ता ठीक है। यहाँ पे जी मेरे पास है जी अपना टेस्ट के हिसाब से, और देसी घी का बनेगा या कुछ और भी बनेगा, साथ में ऑयल भी जाएगा इसके एक कप ऑयल का जाएगा और एक प्याली देसी घी की जाएगी। और यहाँ पे जी चीनी जो आपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है ये खोया है तो प्रॉपर आपको बताते हैं कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास है जी एक प्याली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देसी घी की जो कि मैंने इसके ऊपर शामिल कर देना है माशाल्लाह। और इसी तरह मैंने इसकी अच्छे से करनी है बुनाई। और साढ़े गाँव के देसी घी ईजी मिल जाता है फॉलस वाह जी वाह, कोई मैं नहीं जाता और हम घर पे भी निकालते हैं। हाँ जी मैं साढ़े गाँव के बीच ईजी मिल जाते हैं, ईजी मिल जाता है। अच्छा जी यहाँ पे जी तकरीबन एक प्याली के करीब मैंने ना ऑयल भी डाल दिया ठीक है, एक प्याली देसी घी की है और एक ऑयल की है। बस जी हमने इसकी करनी है भून बनैया अच्छे से, इसकी हम भून बनैया करते हैं। और साथ में क्या करना है हमने जी देखें इसको हिलाते हैं ना पहले इसको ना हमें अच्छे से इसको हमने भून लेना है। और जो मेरे पास चीनी है, अच्छा आपको पता है ना चीनी वगैरह जब हम डालते हैं अगर हम मीठे चावल वगैरह बनाते हैं ना तो चीनी डालते हैं वो पानी छोड़ता है, मीठा डाले तो पानी छोड़ता है। आपने क्या करना है आपने उसको है ना अच्छे से ना उसकी भून बनैया करनी है, पानी भी आपने ड्राई करना है सारा प्रॉपर। तो यहाँ पे ना मैं इसको ना अच्छे से तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और यहाँ पे मेरे पास चीनी है, चीनी इसके अंदर शामिल करते हुए इसमें रहमान रहीम ये चीनी है बुरा किया मैंने बोल डाला भर के। तो बस जी इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स इस तरह से। तो फिर आप देखिएगा जो गाजर के हलवे का कमाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा और शानदार मज़ेदार बनेगा। अच्छा जी इसको मैंने अच्छे से करना है ऐसे ही भून बनी आप ठीक है, प्रॉपर इसकी भुनाई करती हूँ तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मैंने क्या करना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी फ्रेंड यहाँ पे मैंने ना इसकी ना माशाल्लाह बड़ी भुनाई की है, देखिए ना आपको ना इसकी शाइनिंग नज़र आ रही है ना, इसका जो ना इसने जिसके अंदर जो घी डाला था ऑयल डाला था प्रॉपर इसकी भुनाई हो गई है, आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर ना ये ऑयल या जो देसी घी डाला ना वो निकल रहा है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। ये आपने इस तरह चेक कर लेना इस तरह से ना देखिए घी इस तरह से निकलना चाहिए, पानी नहीं है निकल रहा, ये देखिए ऑयल निकल रहा है, घी निकल रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ना पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमने इसकी अच्छे से फुल आंच की हुई है। पहले मैंने दरमियानी आंच पर रखा था कि जो इसका पानी है ना वो हल्की आंच में ड्राई हो जाए,
और माशाल्लाह कलर देखो बहुत इजी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरे पास है पिस्ता है। और एक जबरदस्त मैं तो गल शेयर करना चाहना, देखो माशाल्लाह ना अल्लाह ताला ने हर इंसान नु बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा स्पेशल बनाया जिंदगी दे विच। एक चीज मैं तुहानू असि दसने आ, तुसी अपना काम भी करदे रहो, कोई गल नहीं साडे लई रुकियो ना, पर तुसी गल भी सुनो। अच्छा फिर रुक ली गल। हाँ जी हो गया जी। अच्छा जी जिंदगी दे विच एक चीज़ है तुसी याद रखना जे कि तुहाडे को वो सोर्सेज होंगे या नहीं होंगे वह बाद का मसला है। असी जो स्टार्ट किया अपना चैनल साडा किचन या साडा घर इन्ना क ही कि सराब बरसात दे विच बहुत बुरे हाल है, किचन आसपास इन्ना हों के आयल दी पिछे छींटे होंगी सी, तो कोई पेड़ नहीं, तो कोई चुल्हा साडा बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब कि सानू बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि तुसी कम से कम अपना घर की सैटिंग करो, ऐ करो, तुसी चुल्हा किचन ही सही बना लो। असल चीज़ है कि आसपास रुकी नहीं, चलती रही, उस अल्लाह ताला की खास रहमत कि अज किचन भी सही हो गया, थोड़ा घर की भी असी मेनटेन कर ली, सैटिंग की। क्यों? क्योंकि यूट्यूब अल्लाह ताला का खुश शुक्र है कि असी कम किया, यूट्यूब ने सानू बेनीफिट्स भी दिते। उस तो बाद एक चैनल से दूसरा आसफा कामरान आसफा कुकिंग रेसिपीज का भी चैनल मोनिटाइज हो गया। दूसरी और जिंदगी दे विच एक चीज़ देखना कि तुसी कोई काम करदे ना, तुसी यूट्यूब चैनल बनाते हो, रेसिपीज बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो, तुसी ए ना देखो कि तुहाडे को बहुत स्पेशल बर्तन होने चाहिए ने, तुसी ए मैटर नहीं करता कि किस चीज़ दे विच की बना रहे हो, तुसी ए ना देखो कि तुसी की बना रहे हो तो की नहीं बना रहे, तुसी की ए देखो कि तुसी जो तुहानू हुनर है तुहाडे च वो तुसी शो करो, वो डिसाइड करना होंदा ऑडियंस ने कि तुहानू वो किस तरह देखना चाहते हैं तो किस तरह देखते हैं, और तुहाडी हर चीज़ जिहड़ी है ना उन्होंने पिक कर लैनी होंदी है, क्योंकि सोशल मीडिया एडिक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि वो तुहाडी एक पिछे कोने च भी कोई चीज़ होगी ना तो उन्होंने भी दस देंगे कि तुहाडी वो फलानी कमी है ही है। तो मैं ये चीज़ रेकमेंड करना कि तुसी अपने कोई भी चीज़ है ना रियलिटी दस्या करो, जिंदगी दे विच फेक चीज़ नहीं दसनी, जो तुसी फेक दसोगे ना अपने आप नूं तो लोग वो भी जजमेंट कर लेंगे, फिर वो तुहाडे ना तुहाडी इज्जत हो नहीं रहेगी, जो तुसी ओरिजिनल हो ना तुसी दिल दे विच मुकाम रखोगे, और तुसी जो हो तुसी क्यों अपने आप च क्यों ऐसी कोई कमी कमतर है नहीं, जिंदगी दे विच देखो तुसी स्पेशल हो। अगर देखिए हमारे घर में बर्तन है स्टील के बर्तन है, हम वो भी यूज कर लेते हैं, कुछ भी तुसी जरूरी नहीं, मेरे को अगर है पत्थर दी डिश नहीं सी है ना तो असी है गाजर का हलवा बनाया तो असी बहुत अच्छी कढ़ाई च नहीं बनाया सिल्वर दी पत्थर का सैट आसपास की शादी का है, असी ये रख के सामने दस देंगे, अगर साढ़े को ना होंगे तो असी स्टील की डिश के भी रख के दस देना ही गल है कि आसपास का टेस्ट आस जो आसपास है ना वो एक ही है, वह आसपास एक ही है और वह टेस्ट होर किसी को नहीं हो सकता। जिंदगी दे विच तुसी खुद बहुत स्पैशल हो, चीज़ा मैटर नहीं कर दिया, इंसान मैटर कर देने, और तुसी सानू एक्सेप्ट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सानू बहुत अच्छा लगा। जो हमें कामना ने और हमने बातें की आपके साथ आपको कैसी लगी है? हाँ, और लाजमी कीजिएगा, पता क्या या कमेंट्स आप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके प्यार का और मोहब्बत का कि आप हमें कितना लाइक करते हैं, कितना प्यार करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी होती है ना रियलिटी 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 होती है जो आपके साथ हम शेयर करते हैं तो आपको भी अच्छी लगती है, और जरूरी नहीं कि तुसी चीज़ा मैटर नहीं कर दिया। मैं फिर लास्ट दे विच कहना कि तुहाडा चाहत प्यार मैटर करदा, और माशाल्लाह जी मैं लगता आसमान ने फाइनल कर दिता है। यस माशाल्लाह वाह जी, और ये देखिए कमाल की है, बहुत प्यारा कलर और बहुत अच्छा, और इसके अंदर ना मैं आपको बताऊँ, मैं जो भी आपके साथ अगर किसी किचन में मैं कलर ऐड करती हूँ ना तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मतलब कि आपके साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करती हूँ, उसके अंदर ये नहीं है कि आपके सामने बताया कुछ है किया कुछ है नहीं। अच्छा जी इसका जो मैंने जिस तरह मैंने बनाया था ना इसको बॉयल किया था वैसे ही बनाया, इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला, इसका अपना ही कलर है। आपको पता है आजकल के मौसम में सर्दियों के मौसम में गाजरें कितनी मज़ेदार होती हैं, उसका जूस का कलर भी कितना प्यारा फ्रेश होता है और हर चीज़ का प्रॉपर कलर होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो यहाँ पर जी हमने कर लिया है इसको डिश आउट इस तरह से मज़ेदार सा। अच्छा जी जो वाइट डिश है ना तो उसके ऊपर ना रेड जो है ना गाजरे का हलवा कैसा लग रहा है, हाय 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 वाह जी यार वाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक सभी को खुश रखे, आबाद रखे, मुस्कुराता रखे,
और मेरी जो रेसिपीज होती है ना वो मेरे अंदाज से होती है और मेरे तरीके से होती है, जो आप कहते हैं कि आपकी आपकी रेसिपी मैंने ट्राई की है, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी बनी है और बहुत टेस्टी बनी है। मेरे पास यहाँ पे खोया है तो वो भी हम यहाँ पे लगाते हैं, पिस्ते हैं वो भी लगाते हैं। अब अगर आप कुछ बच्चे लाइक करते हैं कुछ नहीं करते ना, बादाम पिस्ते वगैरह, तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरे पास हो जी गाजरा और माशाल्लाह बहुत कम खर्चे दे विच अगर यही तुसी गाजर दा हलवा बाजारों लेना है तो तुहानूं बहुत एक्सपेंसिव मिले और घर दे विच तुहानूं बहुत कम खर्चे दे विच अल्लाह ताला दी खास रहमत है कि तुसी घर अपने जीआं दे विच ज्यादा खाना भर भर के खाओ, रज के खाओ, थोड़े पैसे नाल वध वध के खाओ तो बनाते रहे और खत्म हो रो जिसे बनाए और पूरी आसपास माशाल्लाह डेकोरेट करके ना तो फिर तुहानूं दसने यहां पे सामने कर लेते हैं। करो फिर करो फिर करो फिर सोने का तो जो जो यहाँ जी मेरे पास खोया है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो जब भी जितना जितना खाना है, ये कामरा साहब ने किया था इसको ऐसे सेटिंग, हम मलाई मैं निकाल देती ना, मलाई थोड़ी सी रहने देते हैं। अच्छा जी यहाँ पे ये देखिए जिस तरह से कामरा ने पीस करके दिए, ये मैंने बड़ा सा पीस मंगवाया हुआ था यहाँ पे हमारा, बड़ा अच्छा माशाल्लाह खोया मिलता है क्योंकि शक्करगढ़ में ना हर चीज़ प्रॉपर खालिस और ज़बरदस्त होती है क्योंकि गांव है ना, यहाँ पे गांव का माहौल है तो यहाँ पे अच्छी अच्छी शॉप है, अच्छी अच्छी मजे की। कहाँ पे लगाऊंगा ऊपर लगाओ ऊपर, चलिए जी ऊपर भी लगा देती हूँ माशाल्लाह। आप बताइए मैं कहाँ पे लगाऊंगा, वहाँ वहाँ लगा देती हूँ। हाँ जी हाँ जी, एक साइड तो एक साइड, हाँ जी अच्छा जी, ये भी लगा देते हैं सारा। माशाल्लाह जी मेरा जेन सी के ए वाला पीछो कैसे रखे होते हैं जो छोटे छोटे पीसा एक साइड तो बंदा रास्ता भी तो होना चाहिए अगे पीछे जान जान आप कर आगे साइड। नहीं नहीं करो तुसी माशाल्लाह बहुत सोना कर रहे हो, सोने सोने तालाल नहीं ए वड़ा पीस इतने रखो तो ए छोटे छोटे पीस उत्थे रखो जिथे वो बड़ा पीस पिया ए इंज करके ना ए ए ए ए ऊपर रख दें इतने। हाँ जी ये कामरा की बातें हैं जो माशाल्लाह जी देखो तो सही, फिर देखो तो सही टिकट वाले भी कामरा यहाँ से खाना होगा ना। हाँ जी हाँ ऐसी गल कर रहा है कि ऊपरों कवर करो तो जितने खाने वाली जगह रहता उ छोटे छोटे पीस रख लियो। हाँ बस ठीक है माशाल्लाह जी देखो जी वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह। ये कामरा ने मुझे बताया प्रॉपर जी, ये देखिए जी हमारा अभी रख लो तो छोटे चूरा पूरा भी रखो ना। मेरे पास पीसे तो मैंने पीसे तो लगाने ना ऊपर। अच्छा जी आपकी मर्जी है आप उसके ऊपर लगाएं जहाँ आपके तरीके से जिस तरह आपने आपने खाना चाहिए आप खा सकते हैं, लेकिन मैं जो इस तरीके से लगा रही हूँ, जो पिस्ता भी लगा दिया, बादाम भी लगा दिया और यहाँ पे कामरा साहब इसको करेंगे आप टेस्ट, इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी फ्रेंड्स फाइनल लुक ये देखिए आपके सामने है और यहाँ पर ये हमारा गाजर का हलवा खोए वाला हो गया है रेडी। तो बस आपने बस जल्दी जल्दी बनाएं खाएं, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर जी ये हो गया रेडी, तो कामरा साहब इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं इसका जायका और इसका टेस्ट इसका फ्लेवर कैसा है। और माशाल्लाह फाइनल लुक ये है जी आपके सामने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह वाह यार वाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो फ्रेंड फाइनली माशाल्लाह से गाजर का हलवा हो गया रेडी और यहाँ पे जी जनाब इसको कर रहे हैं टेस्ट और इसका देखिए जी स्टाइल हलवा। यहाँ पे जी आपकी मर्जी है जितना आपने खाना मिक्स करें चाहे साथ में मिक्स कर लें, लेकिन गरम गरम गाजर के हलवे में आपने जो है ना सारा ये खोया मिक्स नहीं करना क्योंकि फिर ऑयल छोड़ देता है। तो आपने जब से खाना है तो आप जितना खाना है तो आप उतना मिक्स करें खोए के साथ, तो भी इसको आप खाएं इंजॉय करें फिर आप बताएं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह अलहदा अलहदा आपने जो ना ऐसे ही रखना है, जितना आपने खाना है उतना खोया डाल के तो आपने मिक्स करना है उसी टाइम जब आपने खाना है। अगर आप करके रखेंगे ना तो ये जो आपका हलवा है ना जो मन खोया वो घी बन जाएगा। देखो जी तो लुक भी नजर आएगी और देखो प्रॉपर 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 खोए वाला जरा गाजर का स्पेशल हलवा ना मैं थोनों बना के असली टेस्ट दस के देखो माशाल्लाह देखो 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 भी खाओ भी बनाओ खाओ तो इंजॉय करो। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की सौगात है, आप इसको बाजार से क्यों लाना है, आप घर बनाए बच्चों के साथ तो बैठे खाए फिर मुझे बताएं। और जरा चमचे की लुक लग लग दसो जरा खोए वाली आए हाय हाय तू किधर जाने जाते नहीं इसी तरह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह देसी घी का जी खुशबू है ना वो भी कूट कूट के भरी दी है माशाल्लाह माशाल्लाह और बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त लुक और माशाल्लाह
माशाल्लाह मजा ही आ गया यार सुनियो। तो बस जी फ्रेंड्स रेसिपी तो कर दी है शेयर आपके साथ, बनाए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी। तो बस फ्रेंड्स जल्दी से ना इसको बनाएं खाएं, मुझे कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी फ्रेंड्स मैं चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगती है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। खुश रहें, बात रहे, हंसते और मुस्कुराते रहें। दुआ में याद रखें, लव यू ऑल फैमिली, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नई रेसिपी के साथ हम आएंगे इंशाल्लाह।